और बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी में आए महज चंद ही दिन हुए कि कांग्रेस नेताओं की नाराजगी उनके खिलाफ अब सामने आने लगी है। शत्रुघ्न की पत्नी पूनम सिन्हा ने आज समाजवादी पार्टी के लिए लखनऊ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद बीजेपी छोड़ चुके कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता शत्रुघ्न सिन्हा पत्नी के प्रचारों में उतरे और लखनऊ की सड़कों पर रोड शो किया और भाषण भी दिया। लेकिन अपने इस रोड शो से वो अब अपनी नई पार्टी के सदस्यों के निशाने पर आ गए हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने शत्रु के इस रोड शो पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शत्रु पार्टी धर्म निभाए। आपको बता दें कि लखनऊ लोकसभा सीट पर गुरुवार को शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के नामांकन और रोड शो में शामिल हुए, जो सपा उम्मीदवार है।